हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के एक डिवाइस की, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था, और यह है मोटोरोला मोटो जी पावर। तो आज हम इस डिवाइस के कैमरे की बात करेंगे और इसका एक कैमरे का टेस्ट करेंगे और कैमरे का रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन कैमरे की। इसका मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का है और इसके अंदर तीन कैमरा लेंसेज हैं, मैक्रो है, डेप्थ है और वाइड है। जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और जो मैक्रो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है और जो डेप्थ सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का है, जो कि 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो चलें हम अपने डिवाइस का कैमरा टेस्ट करते हैं और ये कुछ क्लिप्स आपके सामने बनाई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और याद रहे, इसके अंदर जितनी हमने रिकॉर्डिंग की है वो सारे हमने स्टेबलाइजेशन ऑन करके हमने रिकॉर्ड की है। तो सिर्फ एक वीडियो ऐसी है जिसमें हमने स्टेबलाइजेशन ऑफ की थी, तो ये वो वीडियो है जिसमें हमने स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं की थी। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब स्टेबलाइजेशन, और ये जब स्टेबलाइजेशन हमने ऑन की और उसके बाद कि ये कुछ वीडियोज़ हैं, तो ये आप देख सकते हैं कितना वाज़ह फ़र्क है। तो अगर आप वीडियो की बात करें तो वीडियो की क्वालिटी 48 मेगापिक्सल के हिसाब से देखी जाए तो इतनी कोई ख़ास नहीं है। और कुछ पिक्चर्स हम आपसे शेयर करते रहें तो ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा लें कि 48 मेगापिक्सल के हिसाब से ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि 48 मेगापिक्सल की तो कहीं से नहीं लगती है। ये देखें अगेन, ये फ्लावर्स की काफ़ी अच्छी वीडियो पिक्चर्स आई हैं और एक ये सनलाइट, ये देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी, ह्यूमन, ये देख सकते हैं आप, ये 2x, ये कुछ फ्रंट कैमरा से ये आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे की क्वालिटी, जो कि कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आ रही, ये आप देख सकते हैं। ये फ़ोन का स्लो मोशन आप देख सकते हैं क्वालिटी, कमेंट में बताएं कि आपको क्वालिटी कैसी लगी। और ये एक बैक कैमरा देख सकते हैं आप। यार एक बात है इस कैमरा में कि काफ़ी येलोइश आप कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही।